ठीक है, आज अपन करने वाले हैं आगे का। पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। पेज नंबर 1। पहले कुछ क्वेश्चन और देखते हैं अपन, ठीक है। सपोज देयर इज अ इंटीग्रेशन साइन 3x dx, कितना होगा इसका आंसर? फिर सेकंड, इंटीग्रेशन ए ई टू द पावर -3t dt, -2t dt, कितना होगा? -3 आएगा क्या? पहले वाले का कितना आएगा? पहले वाले का साइन 3x dx का इंटीग्रेशन बन जाएगा -cos 3x, इंटीग्रेट बाय 3, ठीक है। और इसमें a बाहर आ जाएगा, a कांस्टेंट है, e की पावर -2t डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज द इंटीग्रेशन। देख लो भाई, कल मैंने बताया था अगर इंटीग्रेशन साइन ax dx है तो इसका इंटीग्रेशन -cos ax/a बन जाएगा। इंटीग्रेशन e की पावर -ax dx है तो इंटीग्रेशन e की पावर ax/a बन जाएगा। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए, समझ गए? हाँ, फटाफट लिख। हाँ सर, हाँ, स्क्रीन शॉट ले लो, नहीं तो लिखते चलो, अभी फटाफट लिखते चलो, स्क्रीन शॉट ले लो। हो गया? हाँ सर 2 मिनट। हो गया क्या? हाँ, यस सर। देखो भाई, और क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r² dr, इसको कैसे करोगे? इंटीग्रेशन जी m1 m2 अपॉन r² dr। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? कहीं अपना फार्मूला आया था इस तरह से, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है जी m1 m2, क्योंकि डी आर के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है और इसको ऊपर ले जा लो आप, तो जी एम वन एम टू आर की पावर -dr हो गया। अब यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई कर दो, आर की पावर -2+1 -2+1, तो दिस इज जी एम वन एम टू आर की पावर -1/-1। रीअरेंज करोगे इसको तो ये माइनस ऑफ जी एम वन एम टू और ये आर की पावर -1 है, तो नीचे आके आपका +1। ठीक है, समझ गया या नहीं? हेलो, समझ गया बेटा इसको? ओके, यस समझ गए? कोई डाउट अभी इस पे? हाँ पेज नंबर 2 ले लो, अभी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फॉर्मूला में भी यूज होता है क्या? सर ये फॉर्मूला में भी यूज होता है। ये तो ये अपन ने नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगा दिए ना, x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। ऐसा जैसे फोर्स का फॉर्मूला तो ये इसके लिए भी होता है। आवाज नहीं आ रही बेटा बराबर? सर ये फोर्स का फॉर्मूला है ना? हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये बाकी फॉर्मूले भी यूज होता होगा? बाकी के भी होते हैं, बस मैंने एक एग्जांपल बताया कि हमको सिर्फ ऐसा नहीं कि एक्स और वाई के बारे में सोचना है। हमारे फिजिक्स में जो क्वेश्चन बनेंगे किसी भी तरह किसी भी वेरिएबल में बन जाते हैं। जनरली क्या होता है एक्स वाई में प्रैक्टिस कर लेते हो, जहाँ पे आर या डी टी या कुछ ऐसा मिलता है तो वहां पे फिर अपन लोग गलत नहीं लगते। समझ गए? नहीं इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए क्या? यस सर। पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 में आपने एसिलरेशन के बारे में पता है आपको, है ना? एसिलरेशन क्या होता है? एसिलरेशन ए इक्वल्स टू dv अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है कि नहीं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना। अगर मान लो एसिलरेशन 2t + 3 है, ठीक है, देन फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी किस तरह से आएगी, इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो एसिलरेशन इक्वल्स टू डीवी अपॉन डीटी है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ए डीटी इक्वल्स टू डीवी बन जाएगा, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो डीवी इक्वल्स टू ए डीटी, और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो डीवी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए डीटी। ए की वैल्यू ये है, इसको पुट कर दो, टी का फंक्शन आपको दिख रहा है इंटीग्रेशन, दिस इज 2t + 3 फिर डी टी, इसको सॉल्व कर लो तो एक्चुअल में ये वी आई से लेकर इसको वी एफ तक, सॉरी अभी कुछ भी मत करो, अभी ऐसे लेकर रहेंगे, तो ये जो वेलोसिटी था ये टर्म वी बन गया क्योंकि डी से ये इंटीग्रेशन कट गया तुम्हारा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2t² / 2t, तो ये 2 से 2 और कट गया तो b इक्वल्स टू कितना आ गया t² + 3t आ गया। क्या खा ले रहा है तू? कौन सी है तू? क्या बेटा? हेलो बोलो, अभी कुछ बोले क्या? हेलो तो ओके okay, कोई बात नहीं, समझ गए ये कैसे किया अपन ने, मतलब इंटीग्रेशन। 12 मिनट। हाँ हेलो, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या होता है और लास्ट में जो निकाले तो वेलोसिटी, लास्ट में जो आंसर आया वो डिस्प्लेसमेंट का आंसर आया, आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन दी है, हाँ वेलोसिटी की इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, ठीक है वो पार्ट समझ गया अभी कि नहीं? यस सर। समझ गए इसको?
अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन थे ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ध्यान से समझना, डेफिनेट इंटीग्रेशन पेज नंबर 5 डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन नया कुछ नहीं है, इसमें जो फार्मूले आपके लगेंगे वो पुराने वाले फार्मूले ही लगेंगे, ध्यान रखना। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपके पुराने फार्मूले ही लगेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन और बढ़ जाएगा आपका। बस डेफिनेट मतलब जिसकी फिक्स वैल्यू आती है, और इसके पहले अपन ने जितना पढ़ा वो इनडेफिनेट था, मतलब जहां पे फिक्स वैल्यू नहीं आती, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो आप इंटीग्रेट कर रहे हो किसी फंक्शन को एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जिसमें एक्स की इनिशियल वैल्यू या जो लोअर लिमिट है वो ए के इक्वल है, और जो फाइनल वैल्यू है वो बी के इक्वल, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट। ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है ना, ये अपर लिमिट है और एक क्या है लोअर लिमिट। और जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो आंसर आया इसका एफ ऑफ एक्स, मतलब कुछ नया फंक्शन बना। तो यहाँ पर लोअर लिमिट और फिर अपर लिमिट देखोगे, और जहां जहां पर एक्स आया है फंक्शन में, पहले वहां पे अपर लिमिट पुट करोगे, फिर माइनस का साइन लोगे, फिर जहां जहां पर एक्स आया है वहां पे क्या पुट करोगे आप, लोअर लिमिट पुट करोगे। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लूं, इंटीग्रेट एक्स 3x2, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखते इंटीग्रेट वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 3 तक या 4 तक आपको इंटीग्रेट करना है। तो सॉल्यूशन कैसे आएगा इसका, इंटीग्रेशन dy या फिर इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू y dx, इंटीग्रेशन y की जगह पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स, लोअर लिमिट x की वैल्यू 1 से लेकर x की वैल्यू 4 तक। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका x क्यूब अपॉन 3 होता है, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऐसा लिख दो आप। इसके बाद क्या करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, पहले अपर लिमिट पुट करना, तो x की जगह में 4 पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, फिर माइनस का साइन, और फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 की पावर 3 अपॉन 3। और इसको सॉल्व कर लोगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। 64 बाय 3 माइनस 1 बाय 3 इक्वल्स टू 63 अपॉन 3, तो ये आ गया आंसर 21। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन, डेफिनेट इंटीग्रेशन बोल रहे हैं। तो इसमें ये फार्मूले तक तो वही सब पुरानी कहानी है, लेकिन इसके बाद देखो आपको क्या करना है, पहले अपर लिमिट पुट करना है x की जगह में, और फिर आपको क्या करना है लोअर लिमिट पुट करना और सॉल्व कर देना, बस इतना सा ही फर्क है और कुछ नहीं। बाकी सब कुछ पुराना ही है, आपके फार्मूले पुराने लगेंगे, सब कुछ पुराने लगेंगे, बस यहाँ पे आपको लिमिट पुट करते टाइम पहले आपको अपर लिमिट पुट करना, फिर माइनस का साइन लेना, एंड देन लोअर लिमिट पुट कर देना, हो गया। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गया बेटा इसको? यस सर। ओके, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, हाँ इस पे
अभी देखो एक क्वेश्चन अपन इस तरह से कर रहे हैं अब यहाँ पे पेज नंबर 6। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, एक इफ एक्स इक्वल्स टू 2t+3 है, 2t+3 देन इंटीग्रेट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी फ्रॉम टी इक्वल्स टू 1 to t=5। टी की वैल्यू 1 से 5 तक आपको इंटीग्रेट करना, चलो या फिर -2 से लेकर टी की वैल्यू +3 तक आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। -2 से लेकर +3 तक आपको इसको इंटीग्रेट करना है, एक्स इक्वल्स टू 2t+3 है, इसको आपको 2 से लेकर 3 तक इंटीग्रेट करना है। तो इसको कैसे करोगे, अभी इंटीग्रेट जिसका सॉल्यूशन आ जाएगा आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स dt, और टी की जो लोअर लिमिट है -2 है और अपर लिमिट कितनी है 3 है। तो जब आप इस तरह से लिख देते हो तो इसको -2 और 3 तक बस लिख सकते हो, एक्स की वैल्यू पुट कर दो तो 2t+3 एंड dt आ गया ऐसा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पे, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है इसको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका 2t²/2+3t, और लिमिट अब रहेगी यहाँ पर -2 से लेकर +3, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये स्टेप समझ गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, डायरेक्ट लिख दिया इंटीग्रेशन की स्टेप, समझ गया या नहीं? यस सर, समझ गए। ओके, एंड देन अब देखो आपके पास में t²+3t और -2 से लेकर +3 तक, तो पहले आपको अपर लिमिट रखना है फिर आपको लोअर लिमिट रखना है। तो ये पहले एक ब्रैकेट ये ले लिया अपन ने, या इस तरह से ब्रैकेट ले लो आप, तो 3 का स्क्वायर +3 × 3 और फिर आपका आएगा, एक मिनट यहाँ थोड़ी सी जगह कम कर, इस तरह से लिखते रहे अपन वहां पर की जो स्टेप की लास्ट वाली मैट्रिक्स है, t²+3t एंड लिमिट -2 से लेकर +3। तो पहले जहां जहां पे टी है वहां पे 3 पुट करना है, ये 3 का स्क्वायर +3 × 3 फिर माइनस का साइन एंड देन आएगा -2 का स्क्वायर एंड +3 × -2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा 9 + 9 -2 to the 4 -6, तो ये बन गया आपका 18 - -2, तो द आंसर इज +20, ये बन गया आपका आंसर है। समझ गया या नहीं? ये 6 नंबर का पेज है कि 7 नंबर का है? 6 या 7? 6 या 7? सर 7 सेवन है। यस सर। ओके, तो अब आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और स्टेप देखो, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मैं रुका हुआ हूँ आप लोगों के लिए, स्टेप्स देखो कैसे किए अपन ने, हाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे किए, रुका हुआ हूँ आप लोग इस कर रहे हो ना, खुद से ट्राई कर रहे हो? हेलो, यस सर, ठीक है। देखो अभी हाँ इस पे इसका जो फाइनल आंसर आएगा आपका यहाँ पे सॉल्व करने पे, सॉल्यूशन i=∫xdt लोअर लिमिट t=0 से अपर लिमिट t=4 है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन 0 से 4 t²-4t+2 और dt, और फिर इसका सॉल्यूशन आएगा 3t³/t
माइनस 4t स्क्वायर बाय 2 प्लस 2t लिमिट 0 से 4, तो ये 3 से 3 को कट जाएगा तुम्हारा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना, तो पहले 4 रखोगे तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 अंदर 2 टू जब 4, तो ये बचेगा यहाँ पे 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4। अब लोअर लिमिट पुट करना, तो 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0। तो अगर जीरो लोअर लिमिट है वो तो पूरा टर्म जीरो बन गया तुम्हारा, सर पूरा जीरो ही हो जाएगा। 64 माइनस 32 प्लस 8 तो ये 40 कितना आ गया, 72 माइनस 32 दिस इज द आंसर इज 40। ठीक है, समझ गए? हेलो, हाँ सर, कोई डाउट अभी? समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गया सर। हाँ ठीक, ले लो अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? चलिए क्या देखो, पेज नंबर 9 जैसे कुछ क्वेश्चन देख रहे अपन, डायरेक्ट लिख रहा हूं इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3 तक साइन थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लोअर लिमिट पाई बाई 6 है, अपर लिमिट पाई बाई 3 है, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और ये पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3 है, तो पहले आपको अपर लिमिट पुट करना जहां पे थीटा है, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 अपर लिमिट और फिर माइनस का साइन और फिर लोअर लिमिट, तो माइनस कॉस पाई बाई 6। देखो पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री और पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री माइनस कॉस 30, तो ये कॉस 60 है ना पहला वाला टर्म, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो दिस इज प्लस 1/2 माइनस ऑफ माइनस कॉस 30 डिग्री होता है 2 3/2, इसको रीअरेंज कर दोगे तो ये माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 2 3/2, तो आंसर आ जाएगा ये 2 आ गया यहाँ पे माइनस 1 प्लस 3, तो दिस इज 3 माइनस 1/2। ठीक है, समझ गए या नहीं? फिर अगला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 2t dt लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर इंफिनिटी तक सपोज, तो इसको कैसे करोगे? e की पावर माइनस 2t अपॉन 2 और लिमिट 0 से लेकर इंफिनिटी तक रखोगे, तो यहाँ पे पहले आपको e की पावर माइनस 2 इंटू इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 2 माइनस e की पावर माइनस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 2, तो एक बार ध्यान रखना e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है और e की पावर 0 होता है 1, तो माइनस 2 इंटू इंफिनिटी इज अगेन इंफिनिटी, तो 0 बाय 2 माइनस 1 बाय 2, तो द फाइनल आंसर इज माइनस 1/2। देखो ठीक है, समझ गए या नहीं? हेलो सर, e टू द पावर माइनस 2t है तो फिर वो वहां पे डिवाइड में माइनस 2 चाहिए ना? हाँ यार माइनस 2 चाहिए, सही बोल रहे हो, एक मिस्टेक हुई कैलकुलेशन की, यहाँ पे माइनस 2 चाहिए था हमको, तो ये भी माइनस 2 ये भी माइनस 2,
माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस वन बाई टू बन जाएगा। समझ गए? समझ गया बेटा इसको? समझ गए? देख लो अच्छे से, देख लो स्टेप्स, देख लो। e की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो होता है और e की पावर जीरो वन होता है। इन्फिनिटी इंटू टू फिर से इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए वो माइनस इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है? समझ गए या कोई डाउट है अभी भी? यस सर। ठीक है, चलो इस पेज का स्क्रीनशॉट एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लूं। सर वो ई अपॉन माइनस तो चाहिए ना? क्या सर ऊपर में? हाँ, ई अपॉन माइनस तो चाहिए ना वहाँ पे। ई टू द पावर माइनस टू सर ऊपर वाले ब्रैकेट। कौन से ब्रैकेट की बात कर रहे हो? एक मिनट पता जल्दी, कौन सा वाला? ये यस सर, उसके नीचे वाले टू में माइनस थे। हाँ, यहाँ भी माइनस टू देना पड़ेगा। ये समझ गया इतना? सर ये टू द पावर माइनस इनफिनिटी या जीरो? ये कैसे जीरो होता है? देख, e की पावर माइनस एक्स मतलब वन अपॉन e की पावर एक्स लिखते हैं ना। तो अगर e की पावर माइनस इंफिनिटी है तो वन अपॉन e की पावर इंफिनिटी, तो ये वन अपॉन इंफिनिटी और वन अपॉन इंफिनिटी जीरो। ठीक है? नहीं सर, समझा समझा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, देख फिर से बता दे रहा हूँ भाई, मैं देख लो, मैं लिख देता हूं। नाउ पेज नंबर 10, देखो ई की पावर जीरो वन, ई की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, ई की पावर माइनस इंफिनिटी इज जीरो। क्यों आएगा? क्योंकि वन अपॉन ई की पावर इंफिनिटी लिखोगे और वन अपॉन ई की पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी अगेन, इसलिए जीरो बन जाता है। समझ गए? समझ गए? हाँ सर। ये ध्यान रखना आगे सर। हाँ सर। क्या तू? क्या तू इसको? यस सर। ओके, अब ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं दे देता हूँ, आप लोग घर में ट्राई करना। इसमें होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ। डेफिनेटली इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डी आर, ये मैंने ऑलरेडी निकाला था, बस आपको लिमिट रख के निकालना किसका आंसर क्या होगा। दूसरा इंटीग्रेशन जीरो से टू पाई साइन एक्स डी एक्स कितना होगा। इंटीग्रेशन जीरो से टू पाई कॉस एक्स डी एक्स कितना होगा। ठीक है? और इंटीग्रेशन जीरो से पाई साइन थीटा डी थीटा कितना होगा। इंटीग्रेशन जीरो से पाई कॉस टी डी टी कितना होगा। सिक्स इंटीग्रेशन ए टू बी वन अपॉन
वन अपॉन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स। ठीक है, ये होमवर्क के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है, एंड ट्राई देम। समझ गए क्वेश्चन होमवर्क के? तो ट्राई करना, आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, कल मतलब मंडे को, है ना? ठीक है, ओके सर, बाय सर, थैंक यू बेटा, बाय बाय, बाय सर, थैंक यू सर, बाय।